वजीर आला बलोचिस्तान असलम रईसानी बजला संजी में पीछे नहीं रहते। कहते हैं कि खरीद और फरोख्त सब्जी मंडी में होती है, असम्बली में नहीं। इंतखाबात में जो जीता वो खतरनाक है, जो हारा वो खतरे से खाली नहीं। ये आप कंफर्म कह रहे हैं कि खरीद और फरोख्त नहीं हुई है? नहीं, कोई खरीद और फरोख्त नहीं हुई है, मगर ये इल्जाम तो बड़े तादाद में है। यार देखे, ये असम्बलियां ये कोई मार्केट नहीं है। खरीद फरोख्त लियाकत बाजार में, जिला रोड, कंदारी बाजार, प्रिंस रोड, वहाँ खरीद फरोख्त होती है। कोयटा में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला बलोचिस्तान खासे खुशगवार मूड में नजर आए। एक अकलियती उम्मीदवार के बारे में सवाल पर उनका कहना था कि खुर्शीद शाह को छोड़े मैं बता रहा हूँ कि रमेश हमारा उम्मीदवार है तो फिर है। मैं कहता हूँ रमेश हमारा उम्मीदवार है। जो मैं कहता हूँ आप वो सुने ना, अभी तो कोई भी नहीं, अभी तो मैं हूँ। क्योंकि अभी तो पुलिस भी मेरे साथ है, लेविज भी मेरे साथ है, फ्रंटियर कोर भी मेरे साथ है, एक्साइज भी मेरे साथ है। एक मौके पर वजीर आला बलोचिस्तान ने सहाफियों से उनकी सियासी वाबस्तगी का सवाल भी कर डाला। तो आपके किस जमात से ताल्लुक है? यार फिर ये तुम कैसे शहरी हो कि तुम्हारा किसी जमात से ताल्लुक है? वोट किसको देते हो? स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली से इख्तलाफात के बारे में सवाल पर उनका कहना था कि स्पीकर उनके भाई हैं और उनमें और स्पीकर में कई बातें कदरे मुश्तरक हैं। कोई मसला नहीं, स्पीकर मेरा यार है, मेरा भाई है। देखो मुझ में स्पीकर में बहुत चीज कॉमन है। वो साबिक डीएसपी है, मैं साबिक डीएसपी हूँ, ठीक है। वो उसका नाम असलम है, मेरा नाम असलम है। वो स्पीकर है, वो सिंधी बोलते हैं, मैं सिंधी बोलता हूँ। वो गुरमुखी बोलता है, मैं गुरमुखी बोलता हूँ। मेरा असलम मेरा यार है। टिम्बकटू, काठमांडू नहीं।